गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिम्पी और आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफस्टाइल विद रिम में। आज मैं आपके साथ स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग की कुछ रेमेडीज शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं ब्लैक सब्जा सीड के बारे में। ये जो ब्लैक सब्जा सीड है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगी और इससे हम लोग एक फेस पैक रेडी करेंगे जो हमारे स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आइए जानते हैं कि ये ब्लैक सब्जा सीड्स है क्या। इसे हिंदी में सब्जा सीड्स या फिर सब्जा सीड्स ही कहते हैं और इंग्लिश में इसे रॉ बेसिल सीड्स कहते हैं। रॉ बेसिल सीड्स आप देख सकते हैं, इसको दिख रहा होगा, रॉ बेसिल सीड्स। और ये नेचरवेल कंपनी का है जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आइए जानते हैं कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये स्किन के लिए बहुत बहुत ही बेनिफिशियल है और ये हमारे स्किन के फाइन लाइंस को, रिंकल्स को, एंटी एजिंग को कम करता है, धीरे 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 बहुत हद तक कम कर देता है। और ये हमारे स्किन को नरिश करता है, ओके। ये हमारे स्किन एजिंग को भी कम करता है, हमारे स्किन को टाइट करता है, हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं फेस में वो ओपन पोर्स को भी श्रिंक कर देता है। और ये हमारे स्किन रिपेयरिंग जो सिस्टम होता है हमारे स्किन का, उसको नरिश करता है। ये हमारे स्किन को फेयर बनाने में, हमारे स्किन को वाइटनिंग ब्राइटनिंग में बहुत हेल्प करता है और यहाँ तक कि हम इसे खा भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें इस रॉ बेसिल सीड्स को यूज़ कैसे करना है। सो गाइस, हमें यहाँ पे रॉ बेसिल सीड्स लेना है। बेसिल सीड्स ये तुलसी के बीज होते हैं जो कि हमें 1.5 स्पून लेने हैं, ठीक है। आप मेरे स्पून के साइज़ देख सकते हैं, मैंने जस्ट इतना सा लिया है, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें मिल्क ऐड करना है। मिल्क जो होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और मिल्क एक बहुत ही अच्छा क्लींज़र माना जाता है जो हमारे स्किन को क्लीन करता है और हमें फेयर बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। तो जिनकी स्किन ड्राई है या फिर नॉर्मल है या फिर ऑयली है, जो भी है, तो मिल्क ज़रूर ऐड करें। मिल्क इसका बहुत ही अहम हिस्सा है, ओके। और जो ये बेसिल सीड्स है, तो बेसिल सीड्स हम लोगों के स्किन को रिपेयर करता है, ठीक है। और ये मिल्क जो है वो हमारे स्किन क्लींज़र का काम करता है। तो हमने ये लिया है। अगर आप लोगों की स्किन ड्राई है तो आप लोग इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। मेरी स्किन तो अभी ड्राई नहीं है और ना ही ऑयली है, तो मैं इसमें एक्चुअली मेरी स्किन ऑयली है तो मैं इसमें एलोवेरा जेल इतना सा यूज़ करूँगी। दिख रहा होगा आप लोगों को, इतना सा हमें यूज़ करना है एलोवेरा जेल। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये जो सब्जा के जो बीज है ये फूल जाते हैं, ये बहुत जल्दी ही फूल जाते हैं। तो इसे मिनिमम 20-30 मिनट इसी तरह मिक्स करके छोड़ दें तो ये फूल जाएंगे, ये अपने साइज़ का 3 गुना साइज़ के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग थोड़ी देर छोड़ देते हैं इसी तरह फूलने के लिए। बेसिल सीड्स हमने भिगोए थे, वो कुछ फूलने के बाद इस तरह का दिख रहा है। तो इसे अब हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे, एक फाइन पेस्ट बनाएंगे इसका। ये ग्राइंड करने के बाद मिक्सर में कुछ इस तरह के टेक्सचर में है। ये बहुत मेसी सा और बहुत एक स्लाइम टाइप का बन चुका है, ठीक है। तो आइए अब इसे मैं अपने चेहरे पे लगा करके दिखाती हूँ कैसे लगाना है और इसका रिज़ल्ट। सो गाइस, आइए अब मैं अपने फेस को क्लीन करती हूँ। क्लीन करने के लिए मैं जस्ट थोड़ा सा एलोवेरा जेल, देख रहे हैं, एलोवेरा जेल, और इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद
ऐड करने के बाद हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से डाइल्यूट करेंगे, मिलाएंगे इसे। मिलाने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा, कुछ क्रीमी सा टेक्सचर है, वाटरी भी है, थोड़ा क्रीमी भी है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। मिक्स होने के बाद हम इसे कॉटन पैड पे लेंगे, लाइक दिस कॉटन पैड पे, और हम अपने स्किन को वॉश करेंगे। इससे बेस्ट क्लींजर कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोग मार्केट का क्लींजर यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे। तो उस केमिकल को यूज़ ना करें, कुछ होममेड तरीके से अपने स्किन को साफ़ करें और अपने स्किन का केयर करें। मैं साफ़ करके आती हूँ आप लोगों के पास। मैंने अपना फुल फेस को क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हैं मेरे फेस पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं है। अब मैं इस पैक को लगाऊंगी। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही स्लिम बन चुका है, स्लाइम बन चुका है, और ये इसी तरह से हाथों में भी आ जाएगा। ये बहुत ही मैसी सा है, ये देखिए। तो इसे अब हम अपने चेहरे पर लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं इसे। कैसे लगाऊँ इसे? हमें 10 मिनट्स तक सॉरी 20 मिनट्स तक रखना है। 20 मिनट के बाद मैं आप लोगों के साथ अपना लाइव रिजल्ट शेयर करती हूँ, ठीक है? 20 मिनट्स हो चुके हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि 20 मिनट के बाद हम इसे उतारेंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, आइए उतारते हैं। अब मैं स्किन का ग्लो देख सकते हैं, वाइटनिंग भी देख सकते हैं। सिर्फ वन यूज में इतना ज्यादा इफेक्टिव है ये। मैं पहले इसे इसी तरह से उतार रही हूँ, बहुत बहुत ही मैसी बालों में भी लग गए हैं। तो अपने बालों को ना बहुत ही अच्छी तरह से टाई अप करें।
तुम्हें अच्छे से वॉश करना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ वॉश करने के बाद। अच्छे से वॉश होने के बाद जिस क्लींजर से मैंने अपना फेस क्लीन किया था, ठीक है, जिस क्लींजर से मैंने अपना फेस को क्लीन किया था वो थोड़ी सी बची हुई थी, उसे भी हम इस तरह से रब करेंगे कि जो भी एक्सेस बचा हुआ है वो निकल जाए। पोछना है, हम लोग पोछने के बाद अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाएंगे। अब देख रहे हैं मॉइस्चराइजर, अच्छा सारे गिर गए, मॉइस्चराइजर देख रहे हैं, वो हमें ऐसे डैब डैब करना है और लगाना है। तो गाइस आप मेरी स्किन का टेक्सचर देख सकते हैं, मेरी स्किन कितनी स्मूथ और सफल हो गई है। ओके सो गाइस, अगर आप लोगों को ये रेमेडीज पसंद आई हो तो प्लीज लाइक। गाइस हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करें, क्योंकि व्यूज़ तो जा ही रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। और आप जो भी मैं होम रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ आप उसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, और वो कितना बेस्ट रिज़ल्ट दे रहा है आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें कि आपके ऊपर ये रेमेडीज़ कितनी हद तक काम की है। और भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडीज़ के साथ। तो बाय बाय, सी यू सून।